अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ जी खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अच्छा, बेसिकली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हमाद भाई आप ना वीडियो बनाएं, नॉलेज दें, हिस्ट्री बताएं कंप्यूटर के रिलेटेड। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो बन जाएगी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, सो इस वजह से आज की वीडियो को मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर दिया। आज की वीडियो को टॉपिक दे दिया भाई कंप्यूटर के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर कि व्हाट इज़ कंप्यूटर से यार, हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर है क्या बेसिकली। पता तो लगे हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, बट हम लोगों को ये नहीं पता कि ये किसकी ईजाद है, हमको ये नहीं पता कि ये कब से शुरू हुआ। तो थोड़ी सी डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ी सी नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वो नॉलेज आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो बिल्कुल बेसिक हो, मतलब जो समझ आ जाए इंसान के जहन में ना, वही काफ़ी होती है। इतना ज़्यादा पढ़ने का फायदा भी जो आपके जहन के ऊपर चला जाए, फायदा ही क्या है जब जो आपके जहन में कोई नहीं आ रहा है। बोलता हूँ अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो ना, अगर आपके जहन में कोई नहीं आता बेफजूल। अगर आप 5 मिनट पढ़ते हो, 2 मिनट पढ़ते हो, अगर आपके जहन में वो बात आ गई, एक्सलेंट, वो 10 घंटों से बेहतर 2 या 5 मिनट। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ लो, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जितने भी मेरे जो व्यूवर्स हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यार मैं आप लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। सो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब अपना मीन्स लाइक कि आप लोग भी थोड़ा सा यार मोहब्बत दिखाओ। तो मतलब कि देखो आप लोग मोहब्बत दिखाओगे, हम दिखाएंगे, तो मतलब एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा ना हमारा, इसीलिए कह रहा हूँ। सो प्लीज़ इस तरीके से मोहब्बत दिखाते हैं ना आप लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर ईजाद किसने किया, देखो चार्ल्स बाबेज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंड इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमैथ, ठीक है ना। ये बेसिकली एक चार्ल्स बाबेज नाम के एक भाई साहब हैं जिन्होंने इसको ईजाद किया था। ये एक इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमैथ हैं, एंड ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इन्होंने बेसिकली जो है ना ईजाद किया था, ओरिजिनेटेड किया था, बेसिकली कॉन्सेप्ट निकाला था कि यार कोई प्रोग्रामेबल जो है ना कंप्यूटर होना चाहिए। देखे ना, कंसिडर्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। इनको बेसिकली फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट इन्वेंशन कंप्यूटर की इन्होंने ही की थी। ही कॉन्सेप्टलाइज द इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी के अंदर बेसिकली इन्होंने कंप्यूटर ईजाद किया था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने ईजाद किया था। तो आप लोगों को अब ये तो पता लग गया होगा कि चार्ल्स बैबेज मतलब कौन थे, एक इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर थे, पॉलीमैथ थे। इंसान की नॉलेज के लिए यही काफ़ी है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि चार्ल्स बैबेज कौन था, तो आप लोग सिंपल से कह सकते हो भाई चार्ल्स बैबेज एक इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर थे और पॉलीमैथ थे, और उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट निकाला था प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का, जिस और उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है सेकंड नेम। और इन्होंने जो है ना फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर 19वीं सेंचुरी के अंदर निकाला था, सिंपल है, 19वीं सेंचुरी में। तो देखो अपने थोड़ा सा जहन से भी काम लो, ठीक ना। अब बेसिकली अगरचे मैं आप लोगों से थोड़ा सा और मतलब के बात करूँ ना कि यार व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन। हिस्ट्री के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, नॉलेज दे दी। अब इसके कुछ जनरेशन के बारे में बात करें, तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जो थी ना कंप्यूटर की, वो 1914 सेंचुरी से लेके 1915 मतलब 1940 से लेके 1950 तक जो है ना वैक्यूम ट्यूब बेस आते थे। फिर सेकेंड जनरेशन जो थी वो 1960 से लेके 1970 तक, सॉरी 1950 से लेके 1960 तक जो थी वो ट्रांजिस्टर बेस्ड आने लगे। फिर थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक जो है ना इंटीग्रेटेड सर्किट बेस आने लगे। फिर फोर्थ जनरेशन बेसिकली 1970 से लेके और प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेस बेस्ड, माइक्रो प्रोसेस बेस्ड अब 1970 से स्टार्ट हुआ था। जो हमारे पास मदरबोर्ड्स हम देखते हैं, 1970 से बेसिकली इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और अब ये प्रेजेंट चल रहा और आगे पता नहीं कब तक चलेगा। अभी हम जो बेसिकली यूज कर रहे, आप लोग याद रखें ये फोर्थ जनरेशन की बात की मैंने, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग मतलब के मतलब काफी हम लोग आगे की चीजों को। अच्छा, अब जो फिफ्थ जनरेशन है ना बेसिकली वो है, फिफ्थ जनरेशन है द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी यही चलनी है। जो मतलब के माहरीन के जो रिसर्च है वो ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस बेसिकली फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है,
मैंने वो बताया, और कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, 5 जनरेशन टोटल है वो मैंने आपको बता दी। तो 1940 से बेसिकली इसका स्टार्ट हुआ था, और अब ये 1970 में इसके एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आया था, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल भी रहा है और आगे फ्यूचर में चलता भी रहेगा, 5th जनरेशन। तो कैसे लगी आज वीडियो, मज़ा आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग।